जय भीम सभी लोगों को। और 7 तारीख को बहन जी तेलंगाना में हैदराबाद के सरोज नगर स्टेडियम में आ रही हैं और ये भरोसा सभा है और भरोसा सभा में जो अभी तक जो रुझान देखने को मिल रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने के लिए आतुर बैठे हुए हैं आ रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि इस बार जो KCR जी की जो 9 साल की जो सरकार है इस 9 साल की सरकार में यहाँ पर खास तौर से दलितों आदिवासियों पिछड़े गरीब लोगों के लिए उनके लिए कोई काम नहीं किया गया और सारा काम हवा हवाई रहा है। उनका एकमात्र काम है सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना लेकिन उसको जमीनी स्तर पे कहीं लागू नहीं करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कहीं पर भी गरीबों के लिए कोई लैंड को देने का काम नहीं किया है, पट्टा देने का काम नहीं किया है, इवन ट्राइबल्स को भी पट्टा देने का काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वादा किया था कि हम दलित CM बनाएंगे लेकिन वो आज तक नहीं पूरा हुआ है। और यहाँ तक कि अभी बहुत सारे बच्चों के मैं हॉस्टल में गया हूँ जो वहाँ पर उनके पास जो फूड की सप्लाई है वो पूरी तरह बंद कर दी गई है, उनके पास खाने का भी हॉस्टल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से लोगों में एक जनाक्रोश बन गया है और सभी लोगों ने BSP को लाने का प्लान कर लिया है। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी 2023 में तेलंगाना में सरकार बनाएगी और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। इसलिए आप लोगों को आना जरूरी है 7 तारीख को बहन जी की बात को सुनने के लिए।